सत श्री अकाल जी, तुम देख रहे हो एच एन वन न्यूज़ चैनल। अजकल पंजाब दे विच लगातार क्राइम दी खबरां लगातार वध रही ने। इसनों लैके कोई भी इंसान किते भी किसी नूं मार दिंदा है। तो इदां दी घटनावां जे पिछले दिन गल करिए, गैंगस्टरां दी वी आईआं ने, गोलियां दे नाल सरेआम भुन्न दी आईआं ने। उस तों बाद पुलिस भी सरगर्म हो चुकी है, पुलिस उन्हां रोकियां दे उत्ते कार्रवाई कर रही है। पर दूजे पासे जिस तरीके दीआं कतल दे मामले सामने आ रहे हैं, पर इस तरीके नाल लोकां दे विच डर दा माहौल बनिया होया। तो इदां दी घटना तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं जिला तरन तारण के पिंड चंबा खुरद की, जिथे कि एक घर दे विच इक जोड़ा रहिंदा है। तो उन्होंने उत्ते किसी अणपछाते व्यक्तियों ने वार करके तेज़ धार हथियारों के नाल कतल कर दिता। इस लैके लोगों के डर का माहौल बन गया। दसिया जा रहा है कि अणपछाते व्यक्तियों वालों इन्ने जिहड़े वार किए गए हैं कि वह मृतक जोड़ा उन्हां जख्मां की ताब ना चलता होया मौके पर ही दम तोड़ दिता है। तो इस लैके जदों पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो चोला साहब के मुखी परमजीत सिंह मौके पर पहुँचते हैं। टीम पहुँचती है, छानबीन शुरू की जाती है। घर के नज़दीक जो भी सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं किमें अजकल लगातार क्राइम बढ़ रहा है, पर लोगों के भी डर का माहौल बन गया। पुलिस भावें सख्त कार्रवाई कर रही है, पर हौसले बुलंद जो गल करिए इदा के अणछते व्यक्तियों के बढ़ते जा रहे हैं। इसको लैके साडे सीनियर पत्रकार जगजीत सिंह डल की देखो पूरी रिपोर्ट। साडे पिंड का एक ये बिल्कुल करीबी है, लड़के उन्हें साग कराया, वह इन्हों को रोज़ दुध लेंदा, किलो लेंदा, दो किलो लेंदा। वो सवेरे आया इतने बाहर, उन्हें इन्हें आवाजा मारिया, इन्हें दरवाजा नहीं खोलिया अंदरों। अच्छा, फिर उन्हें जाके मोबाइल तो फोन भी किया, मोबाइल बंद हो गया है। फिर उन्हें मैनू फोन किया भी सरपंच जी आह गल है, मैं इधर दुध लेंदा तो दरवाजा नहीं खोलन डे, कोई गल ना हो। फिर मैं भी आया नाल, होर भी दो चार जने मैं नाल लेके आया, आण के वेख्या। फिर निशान सिंह नूं ही बाहर ली, कंध तों अंदर घल्लिया। जिहड़े अंदर गया वा दे अंदर सारा फर्श लहू लुहान होई। फिर अहीं कल्ले बंदे उस निशान सिंह नूं अंदर वाड़िया, दोवें मियां बीबी दातरां नाल वड्डे। तुहानूं की लगदा की होया? सारे मौके ते आ गए, पर अंदर सारा पुलिस ने तफ्तीश पूरी की, कोई लॉक नहीं खुला, कुछ नहीं खड़िया अंदर। मोटरसाइकिल भी दो खलोते, चाबियां विच। ये दोवे जी कल्ले रहिंदे, बेटा इन्हों का बहर है जी मनीला। कोई अपनी कोई रंजिश हो सकती है? नहीं जी, साढ़े मुताबिक कोई रंजिश नहीं। ये बहुत दोवे मियां बीबी बहुत ज्यादा भले। मंग अही तो यो करते हैं जी, हूं ये किस्म का घर ही बर्बाद हो गया। दोवे बच्चे आ, एक लड़की हो गया ही है, लड़का बहर रहा। हूं दसो घर के बच्चे की है? मैं ही चाहते हैं भी जेड़ा भी ये कतल है इन्हू सख्त तो सख्त सजा दी है। कोर्ट मंग खान अपने रिश्तेदारी चो है फोफड़ का भांडा है भजन सिंह, उन्होंने पत्नी परमजीत कौर। और रात मैं सवेरे पता लगा वा कि तकरीबन 9 बजे के लगभग रात इतने वारदात हो गई, कोई अणपछाते बंदे आए तो उन्होंने आने काफ़ी वध तो कि जोड़े तो बहुत माड़ी हालात है, जो अंदर वेखे नहीं जाते अगर की कुछ हो रहा। बाकी कोई इन्ना हाले तक पता नहीं चलिया कि कोई समान खड़िया या नहीं खड़िया कोई किया। और उन्होंने दोनों की जो दो ही जने रेंगे इतने, दोवों की उन्हें मौत कर दी। हाँ जी, दो की ना है भजन सिंह, उन्हों की पत्नी है परमजीत कौर। दोवे जने इतने कले रेंगे है, बेटा इन्हों का है बहर मनीला, तो बेटी इन्हों की वही है वह भी अपने घर है जी। तो इतने रात ही होने वारत हुई है, बाकी का पता नहीं हम गाड़ी महकमा करूगा की कार्रवाई करता। दिने उन्होंने एक दुध ही आता ही इन्होंने घर इतने लागे गुआढ़ी तो दुध लैन आता ही, उन्हें आन के इतने दसिया। तो उन्होंने गांह फोन से पता दसिया भी इदा करके बुला नहीं खोलिया गा, सरपंच साहब आए इतने, उन्होंने आन के दसिया तो सारा गांह तो गांह फोन तो फोन पता लगा। चंबा खुरद पिंड एक डबल मर्डर होया, उस संबंध असं इतने मौके के उत्ते पहुंचे हैं। तो इतने हरभजन सिंह परमजीत कौर के दोवें हसबेंड वाइफ इतने रेंदे सीगे, एक बेटा इन्हों का बाहर है, तो लड़की जी इतने मैरिड आ बाबे बटाले। तो बलजीत कौर जी इन्ह की बेटी है, वो स्टेटमेंट से असी जी एफ आई आर जी रजिस्टर करती है। जो असी मौके पर आके सवेरे देखिया तो इन्हे कुछ अननोन बंद ने जाके इन्हों की बॉडी के उत्ते सट्टा मार के इन्हों का जो मर्डर किया, तो असी आ जो 300-2458 के तहत जो एफ आई आर रजिस्टर कर। देखो एज इट इज़ असी मौका इतने सारा देखा, इतने पिंड वाले ने भी देखा सारा मौका, इतने कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। तो इस करके जोड़ा ये कोई लुटखो वाला मैटर नहीं लग रहा,
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਰ ਸਰ ਕੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੇਟਰ ਆਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਥੈਂਟਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਖਵਾਸਪੁਰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟਰੇਸ ਹੈ ਇਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਊਟਸਕਰਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਸੇਫ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਓਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਣਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਛੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਛੱਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।